हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी स्टूडेंट दिस इज आर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर टू सेकंड पार्ट में हमने कवर किया हमारा इकोनॉमिक इश्यूज एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पोलिटिकल इश्यूज हमें ग्लोबलाइजेशन के बाद देखने मिले स्टूडें यह चीज़ ध्यान में रखी कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में बहुत पहले से था जो हम पढ़ रहे हैं वो द मोस्ट रिसेंट ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं सो कीप दिस इन योर माइंड ग्लोबलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी हम नाइनटीन नाइन्टीज के बाद वाला पढ़ रहे हैं सो so इसका मतलब ये नहीं कि यही असली ग्लोबलाइजेशन है ये मॉडर्न वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन है ठीक है ये आप ध्यान में जरूर रखिए सो लेट स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस हमने हमारे ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में कैसी है आइए वो देखते हैं द ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज लुक एट एज द फॉल ऑफ कम्युनिज्म ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन जो हुआ नाइनटीन एटी वर्लिन वॉल गिरा दी गई उसके बाद जब यूएसएसआर बिखर गया उसके बाद सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया सोवियत यूनियन वॉज द मेन हेड

अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए बहुत ही फेमस डेफिनेशन है बाय अब्राहम लिंकन तो जाके बताइए मुझे वो डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी लोगों से गवर्नमेंट बनती है अब इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखा गया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन uh,

अपने बजट को नजर में रखते हुए और लोगों से डिस्कस करते हुए लोगों से पूछते हुए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके एरिया में आपको क्या दिक्कत है वो पूछते हुए गवर्नमेंट सिटीजन सेंट्रिक मतलब लोगों से मिलकर उनके लिए पॉलिसीज बनाएगी डेवलप करेगी ताकि उनकी परेशानियां कम हों या खत्म हों दिस इज नोन एज पार्टिसिपेट जहाँ गवर्नमेंट और सिटीजन मिलकर मिलकर जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी स्टेट यानी उसमें सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन है और गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है है डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो लोगों से ही बनी है और लोगों के लिए ही बनी है ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी जैसे कि हमें 1990s के बाद देखने मिली पॉइंट ऑफ द की फीचर ऑफ द स्टेट इज सोवरेनिटी द द कांसेप्ट ऑफ जोडिक्शन ऑफ द स्टेट दिस इज द राइट ऑफ स्टेट टू मेक लॉज Within its territory, it has been argued that the concept of sovereignty has been challenged from both internal and external factor. ab globalization ke baad ye dekhne mila ki जो state की position यानी जो country या nation की position है किसी भी वो शायद loss को नजर में रखते हुए वो चीज को आगे बढ़ाना है। तो ये अब हमारी internal sovereignty को challenge करती है। यही बता रहा है its point में।

अगर इंटरने वो ह्यूमैनिटी को डाउनग्रेड uh, कर रहा है या वो किसी जेंडर के को इनक्वालिटी uh, दे रहा है या इन्वामेंट को हर्ट कर रहा है हार्म कर रहा है तो इंटरनेशनल लॉ का यहाँ हमारे सॉवरनिटी में इंटरफेरेंस हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो सकता है थर्ड पॉइंट इज नॉन स्टेट एक्टर्स इट इज़ इम्पोर्टेंसाइटी डेट हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंस टू नॉन स्टेट एक्टर्स पहले जानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर इंडिया इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है उससे अपोजिशन रहता है उससे ना इख्तलाफी रहती है यानी उससे वो लोग डिसअग्री करते हैं लोग और वो चाहते हैं गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसीज बनाए जो लोगों को फेवर uh, करें तो ये इंडिया में देखा जाता है बट जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं हैं जिनकी सारी जिनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी बहुत ज्यादा हायर डिमांड्स हैं तो वैसी कंट्रीज में हमें नॉन एक्टर्स देखे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स देखे जाते हैं जो नेशन के खिलाफ होते हैं दे आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे आर अगेंस्ट द नेशन एंड इन इंडिया वी सी दैट द पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसी मेकिंग इंडियन पीपल्स आर नॉट अगेंस्ट द एंटायर नेशन वो अपने देश के खिलाफ नहीं है वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ है वो जो जैसी पॉलिसीज बना रही है उनके खिलाफ है बट जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं जिनकी सारी प्रॉब्लम्स जहाँ तक देखी जाए तो सॉल्व हो चुकी हैं तो उनकी कुछ ज्यादा हायर डिमांड होती हैं और वो किसी ना किसी रीज़न से वो अपने नेशन के अगेंस्ट रहते हैं सो so, उन्हें कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हु आर अगेंस्ट दर नेशन सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ द इम्पॉटेंस ऑफ सिविल सोसाइटी डेट हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंस टू द नॉन स्टेट एक्टर्स सिविल सोसाइटी की वजह से नॉन स्टेट एक्टर्स को इंपॉर्टेंस मिली है थर्ज वॉलन्टरी ऑर्गेनाइजेशन एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टिड टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट वॉलंट्री यानी इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ गवर्मेंट का कोई इवालमेंट नहीं है एन जी ओ जिसका नाम ही है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं टूडे इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट रिलेशन बिटवीन स्टेट्स इट आल्सो इंक्लूड नॉन स्टेट एक्टर्स दे प्लेन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग ह्यूमैनिटरियन इशूज दैट्स वेरी ट्रू नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो किसी देश के लिए नहीं काम करते हैं ठीक है वो इन अ जनरल वो ह्यूमैनिटी हुमान, के लिए काम करते हैं सो नॉन स्टेट एक्टर की वजह से ह्यूमैनिटेरियन इशूज ज्यादा प्रोमोट हो रहे हैं रोल इसलिए उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशन यानी दो स्टेट का दो नेशन का रिलेशन नहीं है सिर्फ वो वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड करता है तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन में देखा गया तो इसलिए उनके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं विच इज़ अस्टी इंटरनेशनल ग्रीन पीस मूवमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नॉन स्टेट एक्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं वो भी नेशन के अगेंस्ट होते हैं उनको सेपरेशन चाहिए रहता है उनकी भी हायर डिमांड्स होती है और उनका अलग अलग एजेंडा रहता है वैदर इट्स अपॉन रिलीजन वैदर इट्स अपॉन पॉलिटिक्स और एनीथिंग सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल नेक्स्ट पॉइंट है्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट एजेंडा आज के दिन आज ये इम्पोर्टेंट एजेंडा बन गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट बट दर इज अड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्रोचेस टू ह्यूमन राइट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड वेरी ट्रू लेकिन इसकी जरूरत है कि एक लाइन बनाए एक डिस्टिंक्शन बनाए की जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड है उनकी ह्यूमन राइट्स एजेंडा जो है वो अलग होने चाहिए उनके लिए कुछ अलग लॉज होने चाहिए दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टू बिफोर सिविल एंड एंड पॉलिटिकल राइट्स दैट अ ग्रेटर वैल्यू नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन कम्युनिटी एंड फैमिली देन ऑन इंडिविजुअल राइट्स स्टूडेंट जो वर्ल्ड हैं जो अभी मैंने जैसे बताया कि कुछ वर्ल्ड्स बहुत नॉन स्टेट एक्टर वाले पॉइंट में अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ वर्ल्ड्स जो है वो हाईली डेवलप्ड वर्ल्ड है एडवांस नेशन है उनका ठीक है तो उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम से अलग है वो लोग ह्यूमन राइट्स को धम, हाँ, अपनी इंडिविजुअल राइट्स को ही लेकर फाइट कर रहे हैं अभी तक ठीक है हमारे वहां अभी अभी तक पॉवर्टी है हमारे वहाँ अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट है हम हम ऐसी प्रॉब्लम से अभी फाइट कर रहे हैं सो हाउ कैन वी स्टैंड फॉर द ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ठीक है अभी हम अपने लिए ही लड़ लें अभी हम अपने अपने आप को ही सुधार लें उसके बाद हम दूसरों को सुधारें अगर हम दूसरों को सुधारने लगे तो हम तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे तो यही पॉइंट में ये बता रहा है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जो डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी इकनॉमी अच्छी है जिनका एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है जिनके वहाँ पॉवर्टी नहीं है उनके लिए ह्यूमन राइट right का कंसेप्ट अलग रखना चाहिए और हमारे लिए ह्यूमन राइट right के अप्रोचेस अलग होने चाहिए तो यही यहाँ पे बता रहा है

Hamari basic necessity food shelter, clothing education and health. So, yeah, it is further argued that in the desire to achieve distributive justice there is an undue emphasis on liberty right and not the welfare right of the people. therefore countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history, culture, polity economy. thus the broad application of Western approach of human rights that focus on civil and political rights and a freedom of priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. तो जैसे कि डेवलप्ड वर्ल्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी लिए ह्यूमन राइट्स uh, के अप्रोचेस अलग रखने चाहिए उनकी हिस्ट्री को नज़र में रखते हुए उनके कल्चर को नज़र में रखते हुए उनकी पॉलिटी उनकी इकोनॉमी को नज़र में रखते हुए उनके लिए उनके ह्यूमन राइट्स के अप्रोचेस बनाने चाहिए क्योंकि जो वेलफेयर राइट्स है वो पीछे छूट जाएंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो ये मेन कंसर्न है लेट अस सी सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड दिस इशू इन डिटेल इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन एज अ मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सम रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसीलिए बना है ताकि इन जनरल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सबके ट्रेडिंग इश्यूज जो भी हैं वो वो हैंडल करें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं लेकिन इंडिया जो एक डेवलपिंग वर्ल्ड है अब इंडिया के लिए भी उन लोगों ने वही रूल्स बनाए और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए भी उन लोग ने वही रूल्स बनाए तो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनका प्रॉफिट ही हो रहा है और हम जैसे वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाती है इन रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते हुए हम चाहते तो अगर ये डब्ल्यू नहीं होता हम चाहते तो हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाते या अगर डब्ल्यू ने पॉलिसीज़ uh, बनाई भी है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ उनकी प्रॉफिट बेनिफिट पॉलिसी बनानी चाहिए थी तो यही है ट्रीटीज़ लाइक द Indus वाटर ट्रीटी with पाकिस्तान और द Farakka एग्रीमेंट विद Bangladesh रिक्वायर्स इंडिया टू फॉलो द एग्रीमेंट इन मैटर्स ऑफ शेयरिंग वाटर ऑफ द Indus एंड द गंगा अब जो Indus वैली है Indus वाटर ट्रीटी है जो Indus वैली का पानी है जो उस इंदस रिवर का पानी है वो पाकिस्तान में जाने की अलाउेंस जो है वो डब्ल्यू के द्वारा इंडिया को वो फॉलो करनी पड़ रही है और बांग्लादेश में जो फराका एग्रीमेंट हुआ है वहाँ से गंगा का पानी बांग्लादेश के तरफ जाता है तो इंडिया को ये चीज़ें फॉलो कर रही हैं डिस्पाइट कि उनके कितनी भी फाइट्स हो या वार्स हो दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है सेकेंड है एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एम एनस इंटरनेशनल ग्रीन पीस रेज ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड पुट प्रेशर ऑन लोकल गवर्नमेंट्स तो जो एम एनसी इंटरनेशनल है इसका हेडकोर्टर है लंडन में नाइनटीन सिक्सटी वन में जून में ये फाउंड हुआ है तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है मेनली जिनका जो अपने नेशन के ही अगेंस्ट होते हैं तो ये लोग ने ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ को इतना रेज किया है और इश्यूज़ को रेस करते हुए लोकल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं अच्छी बात है लोकल गवर्नमेंट में आप प्रेशर बनाते हो बट आप देखो कि उनकी कैपेसिटी क्या है वो एबल है वो काम करने के लिए तभी तो करेंगे ना तो इंडियन गवर्नमेंट पोजिशन ऑन ह्यूमन राइट इन द रीजन ऑफ कश्मीर थर्ड एग्जाम्पल इज वन दिल डिजास्ट ऑफ रेडिएशन स्प्रेड अक्रॉस यूरोनोबिल इज अ पावर प्लांट जिसकी फोटो यहाँ दी गई है अभी हम देखते हैं चिरोनबिल एक न्यूक्लियर प्लांट था जो कि रशिया में था जो उस टाइम का ये रशिया में था और ये एक डिजास्टर हो गया यहाँ पे ये फट गया और जो इसकी जो रेडिएशन था वो स्प्रेड होने लगा अब रेडिएशन तो फिजिकल बॉर्डर को देख नहीं सकता रेडिएशन तो कहीं भी स्प्रेड हो सकता तो ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया ये था एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो कोई नेशन की बॉर्डर बचा नहीं सकती है इसको ठीक है तो सारी जो यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन नेशंस थे वो सब तो रशिया से उनकी दुश्मनी थी बट स्टिल उन्होंने रशिया की मदद की फॉर द सेक ऑफ देयर गुडनेस कि भाई हमारे कंट्री तक वो रेडिएशन आ रहा है हमारा नुकसान होगा हमारी पॉपुलेशन पे जो है वो खतरा आएगा तो इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प की सच एनवायरमेंटल डिजास्टर कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ तो ये था एक ह्यूमन uh, राइट्स के ऊपर ही बात थी कि जो पॉपुलेशन थी वो हाम हो रही थी इसलिए जो ईस्ट यूरोपियन नेशन थे वो लोगों ने रशिया के साथ कॉर्पोरेट करके अपना जो है हल किया मसला शिरोनोबिल न्यूक्लियर प्लांट आफ्टर एक्सप्लोजन फिर एग्जांपल हमारा नम्रता बचाओ आंदोलन नम्रता बचाओ आंदोलन नम्रता इज अ नेम ऑफ रिवर had had approached the world bank to to support its cause of opposition to big dams and had in बचाओ आंदोलन जो हो रहा था वहां पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोग ने ये इशू को वर्ल्ड बैंक तक पहुंचाया कि आप हमारी गवर्नमेंट को पैसा मत दो ये चीज मत बनने दो तो ये इसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इशू बना दिया तो ये पावर है ग्लोबलाइजेशन की कि जो दुश्मन दुश्मन है जो दुश्मन दुश्मन है वो भी दुश्मन के साथ आ जाते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन का नुकसान ना हो ठीक है अब यहाँ पे देखो जो प्रोटेस्टर्स हैं हैं जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे रहे रेजिस्ट हैं वो इंटरनेशनल बना देते हैं उस इशू को जो चीज को जो चीज के वो खिलाफ है वो पूरा इंटरनेशनल एक आ, अटेंशन ले आते हैं अपने तरफ फिर उसके बाद देखते हैं हमारा एग्जाम्पल देर हैज बीन एन अपोजिशन टू द बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन जैतापुर एंड कुंदनकुलम कुंदम इज इन तमिलनाडु जैतापुर इज इन महाराष्ट्र इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं 2013 में जैतापुरा में एग्रीमेंट हुआ था मनमोहन सिंह एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट वो भी अब बन रहा है कुलम जो है वो तमिलनाडु में है यहाँ पे रशिया न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड एनजीओ हैव अपोज द बिल्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट डिस्पाइट गेटिंग प्रॉपर क्लियरेंस प्रॉपर क्लियरेंस मिल गई है बट स्टिल द एनजीओ एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और एरिया वो लोग ये प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ये तमिलनाडु की पिक्चर है कि वो न्यूक्लियर प्लांट के प्रोजेक्ट इंजीनियर आते हैं जाते हैं वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारी चीजें होती हैं दिस so ये चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन वाले वर्ल्ड में हमारी देखी गई कि कैसे कोई गांव की बात पूरे वर्ल्ड तक चली जाती है ठीक है दिस इज द पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ह्यूमन राइट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है लोग लोगों की बात सुनते हैं उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइज वर्ल्ड क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट पॉलिटिकल इश्यू वाला पार्ट इज लेंदी तो हम ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया एंड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे <laughs>